पुलिस अधीक्षक ने ली महिला कमांडो की बैठक। जांजगीर चांपा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से जुड़े महिला कमांडो की बैठक लेकर उनके द्वारा की जा रही जनसेवा के कार्यों की समीक्षा बैठक लिए गए। इस दौरान इस महत्वपूर्ण महिला कमांडो के समीक्षा बैठक के दौरान लगभग 8 से 10 विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए दर्जनों महिला कमांडो ने उपस्थित देकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अपने कार्य के प्रति दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनकर अमल में लाने की बात कही गई है। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिला कमांडो को विभिन्न स्तरों तथा मामलों को लेकर उनके द्वारा की जा रही निस्वार्थ भाव से कानून व्यवस्था के पालन तथा प्रतिपालन पर उनका अधिकारी महोदय ने गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद यथासंभव समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। चांपा के NGO ने महिला कमांडो को दिया समर्थन। ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिला कमांडो के बैठक में चांपा के NGO में समर्थन जताते हुए बतलाए निस्वार्थ भाव से महिला कमांडो काम करते आ रही है, जिसे NGO से जोड़कर उनका रोजी मंजूरी के व्यवस्था के लिए कदम उठाया जाएगा। नमस्कार, आज जैसे कि गांव-गांव में महिला कमांडो का गठन हुआ है और वहाँ पर महिलाएँ समाज के विकृति को और शराब पीकर कूड़ेदान करने वाले और ग्राम में असामाजिक जो तत्व है उन लोगों को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिला कमांडो की बहनें आपस में मिलकर काम कर रही हैं, किंतु उन काम तो वह कर रही हैं लेकिन उनका जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत नहीं है। तो इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वे किस प्रकार अपना मजबूत हो सकती हैं, इन सभी को दूर करने के लिए हम सभी विभिन्न जो संस्थाएं हैं जांजगीर चांपा में वे सब मिल करके उन बहनों के आर्थिक स्थिति को मजबूत किस प्रकार कर सकती हैं इसमें जानकारी देने के लिए यहां इस सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किए हैं और विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न बहनों और भाइयों और विभिन्न और भी जो संस्था के सदस्य हैं उनके द्वारा इन बहनों को यह जानकारी दिया गया कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार मजबूत बना सकती हैं और कैसे आगे बढ़ सकती हैं और नारी और पुरुष दोनों मिलकर अपने आर्थिक स्थिति को अच्छी करती हुई हमारे इस भारत देश का विकास कैसे कर सकती हैं। बस इसी सब के ऊपर आज का हमारा यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। आपका नाम बताइए। मैं अन्नपूर्णा सोनी चांपा सेवा संस्थान की सचिव हूँ और हमारी सभी बहनें हमारे साथ उपस्थित हैं।